उनके यहाँ जिस तरह का माहौल चल रहा है तो सरकार गिर भी सकती है, और सरकार गिरेगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज लाइव। इस समय हमारे साथ हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, राजद के कद्दावर नेता श्याम रजक। श्याम रजक जी से बिहार की मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो पर और देश की राजनीति पर हम बातचीत करेंगे। साथ साथ श्याम रजक जी चूंकि दलित मसलों को लेकर संजीदा हैं और इन मसलों को लेकर हमेशा उठाते रहते हैं, कुछ सवाल हमारा उन पर भी रहेगा। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले श्याम रजक जी आपका बहुत स्वागत विमर्श न्यूज के कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपसे हमारा ये सवाल है कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा, और ये ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल फाइनल मैच खेला जा रहा हो, जिस तरह से सभी पार्टियां अपना एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस ने जो राजद को झटका दिया है उससे आप मुश्किल में है, आपकी पार्टी मुश्किल में है, कि ये एक क्लीन स्वीप का मसला है? नहीं, कोई ना झटका दिया है ना हम मुश्किल में हैं। सवाल है कि जो आम चुनाव हुए उसमें हमने 70 सीट दिए थे कांग्रेस को, और कांग्रेस के साथ हम लोग सहयोग भी किए थे, कांग्रेस ने भी सहयोग किया था, वामपंथी लोगों ने भी सहयोग किया था, लेकिन 70 देने के बावजूद वो 19 सीट पर जीत पाए। उसमें जो उनका कुशेश्वर स्थान है, जो उनका सीट था, उनको हम लोगों ने दिया था। उस सीट पर जो उनके उम्मीदवार थे, इसके पहले भी 3 बार वो पराजित हो चुके हैं बिल्कुल, और पार्लियामेंट का भी चुनाव लड़े थे तो पराजित हुए थे, और वहाँ हम लोगों ने कभी चुनाव नहीं लड़ा था राष्ट्रीय जनता दल ने, क्योंकि हम बराबर कांग्रेस को दे देते थे, और इस कारण हमारे वहाँ कार्यकर्ताओं में एक निराशा रहती थी। वो बार बार कहते थे कि हम लोग लगते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उम्मीदवार के कारण, क्योंकि उम्मीदवार की पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उम्मीदवार की गतिविधियां, उम्मीदवार की कार्य पद्धति के कारण वो वहाँ पर पराजित हो जाते थे, या हमारे लोगों उसमें बहुत कुछ करने के बाद भी एक निर्णय की भूमिका में नहीं आते थे। तो हम लोग खुद चिंतित थे कि इस बार हम लोग बाय इलेक्शन हो गया, तो बाय इलेक्शन में हम लोग चाहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल वहाँ, मैंने आप कह रहे हैं कि वोट आपका और नेता उनका ये नहीं चलेगा? नहीं नहीं, वो वोट तो सब मिल करके ठीक है, हमारा वोट है, लेकिन उनका भी, क्योंकि एक महागठबंधन की राजनीति होती है, तो महागठबंधन की राजनीति में कोई जरूरी नहीं कि वोट इसका और उसका, ये नहीं होता है। लेकिन हम लोग ने कहा था कि हम लोग का जनता कार्यकर्ता जो है वो इस बार लड़ने के मूड में है, और हमारा जो उम्मीदवार है वहाँ पर, देखिए बिहार में जात पात की राजनीति, शेड्यूल कास्ट का वो कंस्टिट्यूंसी है, और जो मुसर समाज जो सबसे पीछे पैदान पर है दलित समाज में भी, उसकी वहाँ पर 28,00,000 वोट उसकी वोटर है, और आज तक उनको मौका नहीं मिला है। तो हम लोग चाहते थे कि उस वर्ग को, हरदम मायूस रहता था कि हमारा तो सिर्फ वोट देना काम है, हमारे लोग तो कोई प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं। तो हम लोग चाहते थे कि उसमें एक कार्यकर्ता, मुसर समाज में भी पढ़े लिखे लोग कम, लेकिन वो एक ग्रेजुएट लड़का, बहुत ही गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाला और अच्छा सक्रिय, उसने ही जब पंचायत चुनाव हुआ था इसके पहले, तो उसने जो आज वहाँ उम्मीदवार हैं जनता दल यू के, अमन हजारी, उनको उन्होंने 1,500 वोट से पंचायत चुनाव में हराया था। इसी गणेश भारती ने जी। तो हम लोग को लगा कि ये एक अच्छा उम्मीदवार है और सक्रिय रहता है, तो हम लोग यही चाहते थे, और हम लोगों ने कोशिश किया। लेकिन बिहार के भक्त चरण दास से बात है, बिहार के प्रभारी श्री भक्त चरण दास जी से हमको तेजस्वी जी ने, लालू जी ने हमको भेजा था, और हमने उनसे काफ़ी चर्चा की थी, और चर्चा क्रम में हमने कहा था कि ये 2 सीट जीत हार से न सरकार बनने वाली है न सरकार गिरने वाली है, लेकिन एक चीज तो होगा कि जो हम 12,000 वोटों से कम पर रह गए और सरकार साजिश के तहत जनता दल यू ने बना लिया, एनडीए ने बना लिया, तो एक माहौल क्रिएट होगा, और उनके यहाँ जिस तरह का माहौल चल रहा है तो सरकार गिर भी सकती है, और सरकार गिरेगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो इस बार हम लोग लड़ने का काम, जनता दल मान राष्ट्रीय जनता दल को आप मौका दीजिए। लेकिन तो गठबंधन में ये दरार तो है ना, आप देख रहे हैं कांग्रेस आपसे, आप कह रहे हैं फ्रेंडली फाइट है, वो कह रहे हैं नहीं फ्रेंडली फाइट नहीं, फाइट तो फाइट होता है, लेकिन गठबंधन हमारा है, और गठबंधन कोई चुनावी गठबंधन नहीं था, हम विचारों के आधार पर गठबंधन है। हम भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह बढ़ते हुए
कदम है इस देश में सांप्रदायिकता की, जातिवाद की, जिस तरह से देश में गरीबों को, नौजवान को, किसानों को छलने का काम किया है, इसलिए हम लोग ये मोर्चा बनाए, महागठबंधन बनाए, और वो महागठबंधन उन विषयों को लेकर के, उन विचारों को लेकर के, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, चुनाव होगा, चुनाव में कोई ये लड़ेगा वो लड़ेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस मुसहर जाति की आप बात कर रहे हैं उसी में अब ये ललन सिंह कह रहे थे कि भोला तूफानी को हेलीकॉप्टर पर बैठा के इन्होंने चारा घोटाले पर साइन करा लिया, तो ये मुसहरों के असली हिमायती नहीं है। तो मांझी जी कह रहे हैं कि मुसहरों के हिमायती तो हम लोग हैं। देखिए, जो मुसहर पात्र जो बन करके रहे हैं जी, वो कभी नहीं हो सकते हैं। जनता दलियों की राजनीति, दलित और महादलित बांट करके करने का काम किया, बड़ा अच्छा लगा था कि महादलित जो है, जो मुसहर है, रविदास है, धूबी है, डोम है, इन सब लोगों को कुछ अधिकार मिलेगा, उनके अंदर एक जागृति लाने का काम सरकार करेगी। लेकिन क्या हुआ, ढाक के पास दलित महादलित आपने बना कर करके अलग अलग करने का काम किया, लेकिन उनके लिए कोई विशेष सुविधा देने का काम नहीं किया। जो शिक्षा का लोगों में ज्वार होना चाहिए, लोगों में वो शिक्षा के लिए उनको कभी भी आगे नहीं किया, रोजगार के लिए नहीं किया आपने, उनके स्वास्थ्य के लिए नहीं किया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर माने कि आवास, उनके यहाँ जो स्कूल, आंगनबाड़ी, इन चीज़ों में उन लोगों का कहीं कोई भागीदार नहीं, नहीं किया। तो आपने क्या किया? और जीतन बाबू सम्मानित व्यक्ति हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जीतन बाबू तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बने, कोई एक लीडर के रूप में मुख्यमंत्री नहीं बने, और फिर परिस्थितियों से उनको हटा भी दिया गया, हटाया गया। जिसने बनाया कि हम एक मुसहर को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उसने ही बेचैनी हो गई कि अब मेरा कुछ चलने वाला नहीं है, तो उन्होंने उनको कुर्सी से उतार भी दिया। तो जो मुसहरों के लिए या महादलितों के लिए, दलितों के लिए, या इस राज्य के जो गरीब गुरबा के लिए जो करना चाहिए था, वो जीतन बाबू चाह करके भी कुछ नहीं कर पाए, तो वो परिस्थितियों के आधारित रहे, इसलिए वो कुछ नहीं कर सके। लेकिन मल्लाह और मुसहर दोनों तो इंटैक्ट हैं, माने एनडीए पूरी तरह से एक जुट है और आप में बिखराव है। कोई इंटैक्ट नहीं है। मैं बताता हूँ कि मुसहर समाज के लिए या दलित समाज के लिए लालू यादव ने भी बहुत काम किया। आज चारा जो विश्वविद्यालय का लोग मखौल उड़ाते हैं, यही चारा विद्यालय तो चरवाहा विद्यालय, वो चरवाहा विद्यालय का आप देखिए कि जो कंसेप्ट था लालू यादव का, वो कंसेप्ट सिर्फ उनको सपना देने के लिए नहीं थे, उनके अंदर जागृति पैदा करने के लिए, स्कूल में बैठा कर करके उनको एक रुपया देना, पोशाक देना, उनको खाने की व्यवस्था करना, उनके अंदर शिक्षा की जागृति के लिए करने का काम किया था। और उसके लिए जापान अमेरिका से लोग आकर करके उसके बारे में जानना का कोशिश किए, और एक तरफ लोग हैरान थे, दूसरे तरफ ये जनता दल युवा जो बन गई, वो नेता लोग और बीजेपी के लोग परेशान थे, वो मजाक उड़ा रहे थे चरवाहा विद्यालय का, आज भी मजाक उड़ा रहे हैं। एक कहने की जो चरवाहा विद्यालय बना था उसको उन लोगों के सरकार आते के साथ वो जर्जर हो गई, वो सपना साकार नहीं हो पाया। तो हमने गरीबों के लिए, मुसहर के लिए, जो सुअर चराने वाले, चाहे जो ढोल खाने वाले, घोंघा सितुआ खाने वाले, उसके लिए हम लोगों ने सोचा, उसके लिए करने का काम किया। आवास आप देख लीजिए, नहलाने का लोग मजाक उड़ाते थे लालू यादव का, बाल कटाने का मजाक उड़ाते, लेकिन उसके पीछे क्या कंसेप्ट था? कंसेप्ट था कि हम सफाई के साथ लोगों को जोड़ने का काम करें। जो लोगों को कहा जाता था कि गांव में, टोले में गंदगी के जीवन, उनके अंदर जागृत करने की सफाई करो, और उनको जा करके खुद, तो लालू यादव में सोच था कि उनके लिए एक जागृति पैदा करना। लेकिन जो वर्तमान सरकार जो बहुत खाका पीट रही है और अपना यशोगान अपना पीठ को तपतपा रही, क्या किया उनके लिए? लेकिन आपके नेता तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल खड़ी है कन्हैया कुमार, कि उसके कोई लिए मुश्किल नहीं है। अब तो पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जी देखिए, कन्हैया कुमार अच्छे वक्ता हैं, अच्छे युवा नेता हैं, लेकिन उनका पार्लियामेंट चुनाव लड़े थे, क्या वोट आया उस जगह से जहाँ उनके वर्ग के लोग सबसे मजबूत हैं, उसके बावजूद उनको क्या वोट आया? थर्ड स्थान पर चले गए। तो कन्हैया कोई फैक्टर नहीं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उनका जोर जो है वो बिहार की जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जिस वर्ग की बात वो करते हैं उन लोगों का भी कोई असर नहीं है।
इसलिए कन्हैया हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं। पप्पू यादव कोई फैक्टर है? पप्पू यादव भी फैक्टर नहीं। पप्पू यादव तो कई चुनाव लड़े, हारते गए, हारते गए। जहाँ उनके वर्ग के लोग हैं वहाँ वो हारे हैं। लेकिन इस तरह से आप कैसे मोदी से लड़ेंगे? मोदी से आपको उत्तर प्रदेश चुनाव, मोदी से हम लड़ेंगे? आप तो कांग्रेस से अलग दिख रहे हैं बिल्कुल। नहीं, कांग्रेस से अलग नहीं है। महागठबंधन ने तेजस्वी को अपना नेता माना, आस्था व्यक्त किया, बिहार की जनता ने भी आस्था व्यक्त किया और उसको उन्होंने सिद्ध किया कि हाँ मैं नेता हूँ, मैं लोगों को साथ लेकर के चल सकता। एक चुनाव से कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन जहाँ बड़े इशू पर तेजस्वी को लोग मानते हैं, लोगों ने माना है। अभी देख लीजिए, कोई उनके बड़े जो हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वो लोग तो इन्वॉल्व नहीं है चुनाव। उनके जो क्रम संख्या 2 के जो लोग हैं, क्रम संख्या 3 के लोग, वो लोग हैं। तो उनके इन्वॉल्वमेंट से जहाँ उनका कोई वजूद नहीं है, उस स्थिति में वो क्या कर पाएंगे? माने आपको लगता है कि महागठबंधन है ठीक ठाक? महागठबंधन है, महागठबंधन रहेगा। ये बिहार का जो चुनाव खत्म होगा, फिर उत्तर प्रदेश में तुरंत चुनाव है, किस तरह से आप देख रहे हो? उत्तर प्रदेश में आप लोगों की, आप कांग्रेस से एक तरह से आपकी अनबन है, वहाँ कैसे लड़ेंगे आप? आपको मोदी को हराना है तो कांग्रेस से? मेरा अनबन नहीं है कांग्रेस से, यहाँ पर कोई कांग्रेस से अनबन नहीं है। कुछ लोगों के कारण वो परिस्थितियाँ बनी हैं, लेकिन उससे कांग्रेस पार्टी से, हम तो कहते हैं कि कांग्रेस जितना मजबूत होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा और महागठबंधन के लिए अच्छा होगा और इस देश के लिए अच्छा होगा। इसलिए हम तो चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन कांग्रेस का मजबूत होना ये नहीं कि क्षेत्रीय पार्टी को इग्नोर कर दिया जाए। क्षेत्रीय पार्टी जिस राज्य में है उस राज्य में तो उनको ड्राइविंग सीट पर बैठाना होगा। हाँ, जहाँ बड़ी लड़ाई होगी वहाँ ड्राइविंग सीट पर बैठे, लेकिन आप क्षेत्र में भी आप कैसे ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहिए? आप लड़ पाएंगे योगी से और मोदी से? निश्चित निश्चित रूप से। देखिए, योगी और मोदी का जिस तरह से किसान आंदोलन, जिस तरह से बेरोजगारों का जो आज लोग मरमाहत है, जिस तरह कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में आप देखे हो कि गंगा में लाश बह रहे थे, कोई देखने वाला नहीं था। ये तो सिर्फ राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम की बात फैला करके, अभी हमको बड़ा आश्चर्य लगा, गरबा जो होता है वो सांस्कृतिक हमारा पहचान है और उसमें सब लोग जाकर के गरबा करते हैं, हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं विश्व हिंदू परिषद ने और भारतीय जो विद्यार्थी परिषद ने, कि गरबा में गैर हिंदू लोगों का प्रवेश निषेध है। तो आप हिंदू मुस्लिम करके इस देश में जब 3 करोड़ आबादी थी 1947 में, तो मुसलमानों को आपने नहीं निकाल पाया, मुसलमानों ने अपनी इच्छा शक्ति से यहाँ रहा। आज उनकी आबादी 45 करोड़ से ज़्यादा है, तो आज क्या आप कर सकते हैं? ये अपनी नहीं, जिस जाति की राजनीति की बात करें, आप मायावती वहाँ पर दलितों की लीडर हैं, मायावती कह रही हैं ब्राह्मणों की राजनीति वो कर रही हैं। देखिए, जनता खुद फैसला ले लेगी, नेताओं के अलग अलग सुर से, नेताओं के अलग अलग सुर से जनता का फैसला नहीं होगा। जनता इस बार मोदी से उब चुकी है, योगी से उब चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता, तो वो निश्चित रूप से फैसला लेगी और फैसला लेगी मोदी योगी के खिलाफ। आप देख रहे किसान आंदोलन पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं भी, लेकिन कोई माइलेज आप लोगों को मिला नहीं है? मैंने अखिलेश यादव को भी नहीं मिला और प्रियंका राहुल को भी नहीं मिला। माइलेज की बात नहीं है, जनता के अंदर जो आक्रोश है वो मन बना चुकी है कि हमको इन दोनों को हटाना है। अब दोनों को हटाना है, किसको लाना है जनता जाने, लेकिन दोनों को तो हटाने के लिए मन बना लिए। उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि आपके जो महागठबंधन है या यूपीए है उसकी जीत होगी? योगी जाएंगे? निश्चित रूप से योगी जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि बंगाल का चुनाव क्वार्टर फाइनल था, जहाँ मोदी को शिकस्त देने का काम, उत्तर प्रदेश का चुनाव वो सेमीफाइनल होगा और यहाँ से योगी जाएंगे और फाइनल मैच जो होगा वो दिल्ली का 2024 का होगा। और फाइनल मैच में भी जब क्वार्टर फाइनल हार जाएगा, सेमीफाइनल हार जाएगा, तो फाइनल में कहाँ जीतने वाले हैं, उनका तो अंक वहीं से कमते जा रहा है। और ये जो दो चुनाव हो रहे हैं, ये दो चुनाव भी सेमीफाइनल का ही एक हिस्सा है। अभी मैं वो इसी पर जा रहा था, आपने कहा कि ये सरकार पलट जाएगी, ये दो चुनाव हो जाएंगे निश्चित। देखिए, आप किस कैसे आप कह रहे हैं? देखिए, ये अभी जिस तरह से एनडीए में
झमेला है, बीजेपी और जनता दल यू का सतही झगड़ा शुरू है। ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे में काफ़ी झगड़े हैं, और वो झगड़े हैं इसका खामियाजा जनता दल यू के भी MLA को उठा रहे हैं और बीजेपी के लोगों में भी आक्रोश हो रही है। आप देख लीजिए उनके बचौल जो उनके MLA हैं वो किस तरह की भाषा बोलते हैं, उनके और MLA हैं भारतीय जनता पार्टी किस तरह की भाषा, नीतीश कुमार उस टेम्परामेंट के नहीं हैं और वो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव जब वो हारेंगे इसके बाद एक माहौल क्रिएट होगा और माहौल क्रिएट होगा तो या तो बीजेपी छोड़ेंगे या जनता दल यू ही खुद छोड़ेंगे। चिराग पासवान को भी RCP सिंह ने अपनी टीम में जो नहीं, वो तो पार्लियामेंट का टीम होता है, कोई RCP के चॉइस का वो नहीं होता है। वो तो जब संसदीय संसद सदस्य लोगों को अलग अलग कमेटी में दी जाती है, चाहे वो डिपार्टमेंट की कमेटी हो या पार्लियामेंट की कमेटी हो उसमें रखे जाते हैं। यहाँ भी जो कमेटी बनती है स्टेट में तो सभी पार्टी के लोग बनते हैं उसमें सदस्य, तो चिराग पासवान को लेकर के उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है। मैं एक 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 सवाल, मैंने आप उससे असहज नहीं होइएगा हम आपसे, आपकी पार्टी के भीतर भी मैंने तेज प्रताप यादव ने अपने प्रत्याशी खड़ा कर दिया इस उपचुनाव में। देखिए तेज प्रताप यादव जी हमारे पार्टी के MLA हैं, बोनाफाइड MLA हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। ठीक है वहाँ उम्मीदवार की बात तो लोग कहते हैं कि तेज प्रताप ने खड़ा किया, तो वो तो खुद अपने आप को समर्थन अपना वो वापस ले लिया नाम, तो ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने। और वो तो जब वो अपना यात्रा कर रहे थे तो तेजस्वी जी तो चले गए थे ओसामा के निकाह में, उन्होंने उनको भी इन्वाइट किया था। ऐसी बात नहीं है, ये घरेलू मामले हैं, ये सब बैठ कर करके चले जाएंगे। तेजस्वी जी को सब लोगों ने स्वीकार किया, आज भी तेज प्रताप जी हों या जो भी लोग हों तेजस्वी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे हैं। आपसे कोई प्रजा मंदी के सवाल पर कुछ सवाल पर हो सकता है, देखिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो समझदार लोग होते हैं उसमें मतों का डिवीजन हो सकता है, मनों का डिवीजन नहीं है। लेकिन तो तेज प्रताप और तेजस्वी का मतों का डिवीजन हो सकता है, मन का डिवीजन नहीं है। नहीं मन, आप ये कह रहे हैं कि जो जदयू और उसके भीतर चल रही है वो तो राजद में भी चल रही है। नहीं राजद में नहीं चल रही है, नहीं है राजद में। बताइए एक MLA भी हमारे यहाँ जिस तरह से उनके यहाँ चल रहा है उस तरह से एक MLA के बता दीजिए कि जो बोला हो कि हम वो सही है ये गलत है ये सही है वो गलत है, एक भी MLA का एक भी कार्यकर्ता का कोई वक्तव्य हमको दिखला दीजिए। तो राजद ये चुनाव जीत जाएगा? राजद एक है, एक साथ है, महागठबंधन है, चुनाव में कुछ बात सरकार है, गिराएंगे लेकिन सरकार तो स्वतः गिरेगी, कैसे हम गिराना नहीं चाहेंगे, स्वतः गिरेगी। नीतीश कुमार जी को आम जनता ने अपने दिल से दिमाग से निकाल चुका है और भारतीय जनता पार्टी भी उस रास्ते पर चल रही है, वो धक्का देने के लिए तैयार बैठी, सिर्फ मौका ढूंढ रहा है। आप लोग कुछ नहीं करेंगे? हमको क्या करना है, हम तो जनता के विश्वास पर हैं। जनता ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में मैंडेट दिया था, अब 12,000 वोट से कम आया और साजिश के तहत हम कुछ सीटों पर 5-10 सीटों पर हमको हटा दिया गया, हरा दिया गया और आप देख लीजिए किस तरह हराया। चलिए हम एक सवाल हमारे से और रहेगा श्याम रजक जी से, चूंकि बिहार में दलित की राजनीति जो है वो एक मैंने उसको कह सकते हैं वो भटकी हुई राजनीति उसको कह सकते हैं, कोई भी ऐसा नेता बिहार में दलितों का नेता नहीं हुआ, दलित हुआ महादलित हुआ या सब कुछ हुआ लेकिन दलितों के कल्याण के लिए किसी ने कोई बहुत बड़ा काम किया हो या उनका उद्धार हो गया ऐसा नहीं हुआ। श्याम रजक की तरफ लोग एक उम्मीद भरी नज़र से देखते हैं लेकिन श्याम रजक क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आप दलितों की राजनीति के बारे में आप कितना संजीदा हैं और क्या सोच रहे हैं? देखिए देश की आज़ादी के बाद दलितों को जो भी सरकारें आई दिल्ली से लेकर के यहाँ तक सभी सरकारों ने दलितों को छलने का काम किया, दिखलाने का काम किया, ये योजना वो योजना, अगर सारी योजनाओं को अगर आप जोड़ दें तो आज दलितों की उन्नति सर्वोत्तम रहते हैं। किसी दलित का मकान दक्षिण दिशा में झोपड़ी में प्लास्टिक के नीचे रहने के लिए मजबूर नहीं होता, नहीं होता नहीं। लेकिन क्या कारण है कि उनके आप आवास में नहीं बना पाए। आज अगर सूचकांक आप देखेंगे सूचकांक दलितों के स्वास्थ्य का तो कुपोषण के सबसे ज़्यादा शिकार दलित है, तो उनके लिए भी कोई काम नहीं हुआ। लंबी लंबी बात कही जाती है, वर्तमान भारत सरकार हो या वर्तमान राज्य सरकार हो, लंबी लंबी बात की, कोरोना में भी जिस तरह से बात कही गई उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में आज शिक्षालय का शिक्षा के मंदिर का निजीकरण हो रहा है। जो
आज जो शिक्षक बहाल हो रहे हैं मुखिया के आधार पर हो रहे हैं, और जिसको शिक्षा भी लिखने नहीं आता, अपना नाम नहीं लिखने आता, जिनको ये नहीं पता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, वो हमको अब शिक्षक बन कर करके अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो दलित है वो शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो कौन करेगा आखिर उनके लिए, कोई करेगा? कह तो रहे कि इस बात की लोगों में एक गुस्सा हो रही है, और मैं आपको पहले भी कहा था इसी में से जो नौजवान है, जो दलित में से जो नौजवान है उसके अंदर एक ज्वाला हो रही है, और नेतृत्व करने के लिए वो तैयार बैठे हैं, हमारे जैसे लोग और जैसे लोग उनको पुश करने की जरूरत है, और हम लोग पुश करने के लिए तैयार हैं, हम करते भी रहते हैं। आज ही देख लीजिए मुसहर समाज में भी जो नौजवान हैं जो पढ़ लिख रहे हैं उनके अंदर भी ज्वाला हो रही है कि हम अपने समाज के लोगों को आगे करें, और उनके अंदर इस बात की जागृति हो रही है और वो इकट्ठा कर रहे हैं, और जो गुस्सा है गुस्सा का अब लोगों के अंदर भर रहा है। अच्छा, गुस्सा का विस्फोट होगा, धैर्य रखने की जरूरत है, थोड़ा इंतजार कीजिए, जब गुस्सा फूटेगा वो ज्वालामुखी की तरह फूटेगा, और कितने लोगों को जला खाएगी इसका कोई अंदेशा आप नहीं लगा सकते। बहुत बड़ी बात श्याम रजक जी कह रहे हैं कि ये दलितों के भीतर जो गुस्सा है एक दिन जरूर फूटेगा, लेकिन चलते चलते एक सवाल, क्या श्याम रजक से ये सरकार डरती है? क्या श्याम रजक को टारगेट किया जा रहा है? आपको उद्योग विभाग ने आपके ऊपर एक केस कर दिया। कोई केस उसने पूछा ही नहीं, केस नहीं किया उसने, जांच के लिए दिया है, तो वो क्या है, वो तो कुछ ऐसी बात ही नहीं है। हमने तो कहा भी था कि जांच होनी चाहिए, एकदम जांच होनी चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और मैंने तो शुभकामना दिया नीतीश जी को कि अच्छी बात है, सबको इसी तरह से जांच करें, जितने भी शिकायत आते हैं, तो मेरे बारे में अगर किसी ने शिकायत किया तो क्या शिकायत है, वो शिकायत का तो उन जिनका बात था, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आपने छेड़ दिया, जिसने शिकायत किया है जिसके बारे में उससे तो विभाग ने जो भी पैसा था सब वसूल लिया था, और एडवोकेट जनरल के पास जो फाइल गया था, एडवोकेट जनरल ने कहा था कि पैसा वापस ले लिया गया, अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, तो जब एडवोकेट जनरल लिख दिया और हमारे सचिव ने और हमारे मुख्य सचिव ने जब उस पर रोक लगा दी और कुछ हो भी नहीं सकता था कानून पक्ष में, तो उसके बाद कुछ क्या, तो ठीक है जाँच हो, जाँच होने के बाद पता चल जाए। चलिए जाँच होगी। ये थी हमारे श्याम रजक जी से खास मुलाकात। राजद के कद्दावर नेता श्याम रजक ये कह रहे हैं कि ये दो दो उपचुनाव होने वाले हैं, ये एक तरह से सेमीफाइनल है, और आने दीजिए समय, उनका तो यही दावा है कि ये सरकार पलट जाएगी, हालांकि वो कह रहे हैं कि राजद इसमें संलिप्त नहीं है, ये सरकार खुद गिर जाएगी। तो हम इंतजार करेंगे कि बिहार की राजनीति में क्या उलटफेर होता है। श्याम रजक जी से फिर कभी हम बातचीत करेंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarshnewslive.com पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाइए, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे आपको हर नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।